दैनिक साधना से लेकर के गायत्री का लघु अनुष्ठान, मध्यम अनुष्ठान और पुरुष चरण कितनी सरल तरीके से कर सकते हैं, ये सारी विधि आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, हर व्यक्ति सफलता बड़े जल्दी प्राप्त कर लेना चाहता है। भौतिक जगत में व्यक्ति बड़े जल्दी अमीर बनना चाहता है, बड़े जल्दी चाहता है कि मैं बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, बड़े पद पर चला जाऊं, मैंने पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए। इसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं और किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो हमें इतनी जल्दी होती है कि जल्द से जल्द ये मंत्र हमें फलित हो जाए, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात में हमारी जो उत्सुकता है वो पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाती है। हमारे आत्मी हर व्यक्ति बड़े जल्दी किसी भी चीज के परिणाम चाहता है, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर ये उत्सुकता रहती है कि इसके जो परिणाम वेद शास्त्रों में लिखे हुए हैं या गुरुजनों ने बताया हुआ है कि इसके जाप करने से व्यक्ति के अंदर ये परिवर्तन आते हैं, इन समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो व्यक्ति चाहता है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इन सिद्धियों को प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कि बच्चे उछल कूद करते हैं और थोड़ी देर बाद उनका मन जो है फिर दूसरी चीज में लग जाता है, इसी प्रकार से हम साधना में संकल्पित होकर के बैठते हैं और फिर कुछ क्षणों के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात हमारा मन उबने लगता है। कार्य तो बड़ी उत्साह के साथ करते हैं, बहुत बड़े उत्साह के साथ हम कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात में हमारा उत्साह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की दैनिक साधना बताया है कि दैनिक साधना में आप 24 मंत्र का जाप करें, 108 मंत्र का जाप करें, 324 मंत्र का जाप करें, फिर धीरे 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 अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। और जब साधना आपकी आगे बढ़ जाए तब फिर आपको संकल्पित होकर के साधना करना चाहिए, और जब आप संकल्पित होकर के कोई भी साधना करते तो उसके परिणाम जो है बहुत अच्छे आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम संकल्प ले लेते हैं और फिर हमारा संकल्प बीच में टूट जाता है, जिससे हमारे अंदर एक अपराध बोध आ जाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा बाधक जो है वो हमारा मन होता है। हमारा मन इतना ज्यादा चंचल है कि हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो पहले तो बोलता है कि हाँ अच्छे से करो, बहुत उत्साह रहता है, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात वो उत्साह ठंडा पड़ जाता है। मन इतना चंचल है कि वो एक सेकंड में पता नहीं कहां से कहां चला जाता है, क्या क्या विचार करने लगता है। हमारे एक मित्र हैं मुंगेरी लाल, वो एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक व्यक्ति ने पूछा, जवान युवक था, उसने पूछा कि आप बताएंगे कितना बजा है। मुंगेरी लाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ देर तक सोचता रहा। उस युवक को समझ में नहीं आया कि मैं सिर्फ समय पूछ रहा हूं और ये व्यक्ति मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा है और बता भी नहीं रहा कि कितना समय हुआ है। उसने बोला, भाई साहब मैं आपसे सिर्फ समय पूछ रहा हूं, आप समय क्यों नहीं बता रहे मुझे कि आपकी घड़ी में कितना बजा है। बोले, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जिस आदमी के पास में घड़ी ही नहीं है उस आदमी को समय बताने से क्या फायदा। बोले, विचित्र बात करते, मेरे पास घड़ी नहीं है इसीलिए तो मैं समय पूछ रहा हूं। नहीं, बोले वहां तक तो ठीक है, लेकिन चूंकि आप जवान हैं, आप देखने में खूबसूरत हैं, अब मैं आपको बता दूंगा कि 5 बज रहा है।
बातों का सिलसिला चालू हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास में जगह थोड़ी सी खाली है, आप खड़े हुए, आप बोलेंगे कि मैं यहाँ बैठ जाऊं, मुझे संकोच बस बोलना पड़ेगा बैठ जाइए, क्योंकि जगह तो खाली है। फिर आप पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं बोलूँगा जबलपुर जा रहे हैं, तो आप भी बोलेंगे अरे मैं भी जबलपुर जा रहा हूँ। अब चूंकि लंबा सफ़र है, बातचीत करते करते हमारे और आपके वैचारिक आदान प्रदान होने लगेगा, मुझे संकोच बस आपको घर पे भोजन के लिए बुलाना पड़ेगा। आप मेरे घर आएंगे, मेरे घर में जवान लड़की है, आपका उससे वार्तालाप चालू हो जाएगा, धीरे धीरे आप घूमने फिरने जाने लगेंगे, फिल्म इत्यादि देखने के लिए जाने लगेंगे, और फिर एक दिन आप बोलेंगे कि मैं आपकी बच्ची से शादी करना चाहता हूँ। बस यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जिस आदमी के पास में घड़ी ही ना हो, उस व्यक्ति से मैं अपनी लड़की की शादी कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्यों बताऊँ कि कितना वजह है। तो एक क्षण में कोई व्यक्ति हमसे किसी चीज़ को पूछता, और एक क्षण में व्यक्ति पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। तो ऐसे ही हमारा मन जो है, जब किसी चीज़ को सुनता है और फिर विचार करता है कि अरे इससे तो बड़े लाभ हो रहे हैं, तो मन बोलता करो, और व्यक्ति जो है उसमें बगैर सोचे समझे कूद पड़ता है। लेकिन जैसे ही जब वो करने के लिए बैठता है और उसकी जब क्रियाओं को देखता है, तो फिर वो बड़े जल्दी भयभीत हो जाता है और उन चीज़ों को वो पूरा नहीं कर पाता। तब फिर क्या होता है, संकल्प उसका अधूरा छूट जाता है। तो फिर ऐसे में जो साधना आपने प्रारंभ की थी, उसका परिणाम जो है आपको जीरो मिलता है। तो ऐसी स्थिति में गायत्री की तीन चरण की साधनाएं हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। वीडियो निश्चित रूप से लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को जो भी साधक सुनेगा, वो दैनिक साधना से लेकर के गायत्री का लघु अनुष्ठान, मध्यम अनुष्ठान और पुरुष चरण कितनी सरल तरीके से कर सकते हैं, ये सारी विधि आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। जिनकी पुरुष चरण करने की इच्छा है, जो 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहते हैं, 24,000 का करना चाहते हैं, वो इस सरलतम विधि से किस प्रकार से कर सकते हैं कि आपका संकल्प भी ना टूटे और आपकी साधना भी पूर्ण हो जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारुले, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे आत्मी, गायत्री की तीन चरण की साधनाएं बताई गई हैं, दैनिक साधना के अलावा। एक घंटे से ऊपर जो हम साधना करते वो अनुष्ठान के अंतर्गत आता है, और एक घंटे से कम की जो साधना की जाती है वो दैनिक साधना में गिनी जाती है। तो गायत्री की सबसे सरल अनुष्ठान की साधना है 24,000 की, जो कि 9 दिन में पूर्ण होती है। प्रायः लोग इसे जो चैत्र और आश्विन की नवरात्रि रहती है उसमें करते हैं, लेकिन उसमें एक समय सीमा रहती है, 9 दिन के अंदर ही आपको जाप करना है, बीच में आप गैप नहीं कर सकते। तो उसके लिए प्रतिदिन आपको 27 माला का जाप करना पड़ता है, और 9वें दिन के पश्चात तो आपको उसका हवन करना पड़ता है। हवन की विधि क्या रहेगी वो आगे हम आपको बताएंगे। तो ये एक सबसे सरल साधना है, जिससे कि जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जीवन की कई समस्याओं का समाधान माँ गायत्री से प्राप्त कर सकता है। इस साधना में लाभ ये होता है कि जैसे ही हमारा उत्साह बढ़ता है, और 2-4 दिन के बाद जैसे ही ठंडा होने वाला होता है, हमें उसके समापन का समय नज़दीक दिखाई देने लगता है। तो जैसे तैसे जो है 9 दिन हम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि 4-5 दिन तक तो आदमी का उत्साह बना रहता है, अब बाकी बचे 4 दिन। तो 4 दिन फिर आदमी को लगता रहे अब 4 ही दिन बचा है, पास ही है, तो फिर आदमी जो है किसी न किसी तरीके से उसको
पूर्ण रूप से संकल्प जो है वो पूरा कर लेता है। तो ये 9 दिन की साधना विशेष रूप से बताई गई है। पश्चात में 1.25 लाख की साधना बताई गई है, लेकिन वो 40 दिन की होती है। तो 40 दिन में कहीं ना कहीं व्यक्ति का कुछ ही समय के पश्चात में, कुछ दिनों के पश्चात में उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और फिर उसके लगने लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे से संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आपने 20 दिन 25 दिन जितनी भी साधना की वो आपकी निरर्थक चली जाती है। जिस प्रकार से कि आपने पक्षियों को देखा होगा, वो एक झाड़ी की डगाल पर ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते, भले वहां पर उनको अनंत सुविधाएं मौजूद हों, लेकिन उनका मन जो है उचट जाता है और वो थोड़ी देर के पश्चात वहां से उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति का मन होता है, तो 40 दिन तक जो है वो इस साधना को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति 40 दिन की 1.25 लाख की साधना करना चाहते हैं, वो यदि चाहें तो 24-24 हजार के 5 अनुष्ठान कर सकते हैं, यानी 25-25 हजार के 5 अनुष्ठान कर सकते हैं, जो कि 45 दिन में पूर्ण होंगे, 9×45। तो इसमें क्या होगा कि आप किसी भी समय इसको चालू करें, बीच में फिर आप 9 दिन के पश्चात गैप कर सकते, फिर 9 दिन के पश्चात आप गैप कर सकते, तो एक साल में भी आप जो है 5 बार यदि 24-24 हजार के अनुष्ठान करते हैं तो आपका 1.25 लाख का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से भी जिनका मन स्थिर नहीं रहता या जो इतनी देर तक नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि 24 हजार के अनुष्ठान में आपको कम से कम 2.5 घंटा चाहिए और 1.25 लाख के अनुष्ठान में प्रतिदिन आपको 3 से 3.5 घंटे का जाप करना पड़ेगा, तो इतने समय तक व्यक्ति जाप नहीं कर पाएगा। 40 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहना, उपवास करना, ये सब संभव व्यक्ति के लिए नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति 45 दिन में भी साधना कर सकता है, यानी 5 बार जो है 24-24 हजार के आप अनुष्ठान करें तो आपका 1.25 लाख का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। और यदि उस संख्या को बढ़ा लिया जाए, 27 की जगह यदि 30 की कर ली जाए और 8-8 दिन की साधना की जाए, तो वो साधना जो है आपकी 40 दिन में पूर्ण हो जाती है। अब जो लोग 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं नवरात्रि के अलावा, लेकिन उनके पास में 9 दिन का समय नहीं है, तो उसको वो 4 दिन में भी पूर्ण कर सकते हैं, तो उतनी माला का आपको जाप बढ़ाना पड़ेगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें और उसके पश्चात में 4 दिन में आप 24 हजार का मंत्र पूरा करके आप 4 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम में आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज एक लिमिट समय तक किया जाए तो ठीक रहता है। डॉक्टर दवाई भी देता है तो एक ही बार में पीने के लिए नहीं बोलता, सुबह इतना लेना है, शाम को इतना लेना है, रात्रि में इतना लेना है। तो इसी प्रकार से साधना भी जो है उसका एक नियम होता है। तो 24 हजार का अनुष्ठान जो है आप 4 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। 1.25 लाख का जो अनुष्ठान 40 दिन में करना चाहते वो 20 दिन में कर सकते हैं, इससे कम में नहीं करना चाहिए। 20 दिन में फिर उसको प्रतिदिन 66 माला का जाप करना पड़ेगा। तो 66 माला का जब आप आदमी जाप करेगा तो वो 20 दिन में पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो जितनी बड़ी साधना करेंगे, जितना बड़ा आप अनुष्ठान करेंगे, निश्चित रूप से उतने अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दैनिक साधना करेंगे लाभ होगा लेकिन सीमित होगा। 24 हजार का अनुष्ठान करेंगे लाभ होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। 1.25 लाख का अनुष्ठान 40 दिन में पूर्ण करेंगे, उसमें आपको लाभ और ज्यादा होगा। उसे इस प्रकार से समझें कि यदि आपने 12वीं तक पढ़ाई की है तो आपको नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन कम पैसे वाली मिलेगी। आपने यदि ग्रेजुएशन किया है तो थोड़ा सा और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपने यदि PhD वगैरह किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है या आपने मेडिकल में आपने जो है डॉक्टर का कोर्स किया है या आपने CA किया है, तो फिर आपकी जो सैलरी है वो और ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन एक कब प्राप्त होते हैं, जब आप अपने संकल्प को पूरा कर सकें। तो इसलिए यदि आप 24 हजार के 5 अनुष्ठान धीरे धीरे करेंगे और यदि किसी कारणवश वो संकल्प आपका टूट जाता है, जैसे आपने 3 24-24 हजार के अनुष्ठान कर लिए और 4था आप करने के लिए जा रहे हैं और किसी कारणवश जो है वो खंडित हो गया, तो इसमें क्या होगा कि 3 अनुष्ठान आपने जो किए हैं वो तो आपके सुरक्षित रहेंगे, उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा।
लेकिन यदि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान 40 दिन में कर रहे हैं और 20 दिन में या 25 दिन में आपका अनुष्ठान भंग हो गया, तो जो आपने 20-25 दिन की साधना की है उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जिनके पास में समय की कमी है, जो 40 दिन तक नहीं कर सकते हैं, वो इसको 5 भागों में 24-24 हजार का विभक्त करके उसकी साधना को करके पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जो लोग पुरुषचरण करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हम सरल विधि बताने के लिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति पुरुषचरण करना चाहता है वो 24-24 हजार के 100 अनुष्ठान कर ले, उसमें 2 वर्ष का समय लगता है। यदि आप पुरुषचरण करना चाहेंगे तो वो 1 वर्ष में पूर्ण होता है, लेकिन उसमें आपको प्रतिदिन 66 माला का जाप करना पड़ता है, जिसमें कि लगभग 6 घंटे का समय लगता है, जो कि कामकाजी व्यक्ति के लिए पूर्णतः असंभव है। कामकाजी व्यक्ति इतना लंबा समय नहीं दे पाता है और 6 घंटे तक व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता, 6 घंटे तक उसका मन भी नहीं लग सकता है। ऐसी स्थिति में आप 100-24 हजार के अनुष्ठान कर लें, इसमें 2 साल लगता है। 2 साल में आपके 100-24 हजार के अनुष्ठान पूर्ण हो जाते हैं, जो कि आपको 24 लाख का जो अनुष्ठान है वो उतना जप संख्या आपकी 2 साल में हो जाती है, तो उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा जितना कि आप 1 वर्ष में करते हैं। तो ये एक पुरुषचरण करने की सबसे सरल विधि है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपने 1 साल तक किया और किसी कारणवश आपका संकल्प टूट गया, तो वो कम से कम आपने जो 100 अनुष्ठान किए हैं 1 साल, 50 किए हैं, तो उनका तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आपने पुरुषचरण का संकल्प ले लिया और 2-3 महीने के अंदर यदि आपका संकल्प टूट गया, तब फिर क्या होगा, आपको किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक सरल साधना पुरुषचरण की बताई है कि आप 100-24 हजार के अनुष्ठान पूर्ण कर लें, जिसमें 2 साल लगेगा, तो 2 साल में आप एक पुरुषचरण पूर्ण कर सकते हैं। तो जिनकी इच्छा है पुरुषचरण करने की, वो इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। 100 आप 2 साल में भी पूरा कर सकते हैं, 3 साल में भी पूरा कर सकते हैं, तो उस आधार पर आप जो है अपना हिसाब किताब लगा लें और 100 अनुष्ठान आप जो है 24 हजार के कर लें, तो आपका एक पुरुषचरण पूर्ण हो जाएगा। जो लोग लंबा अनुष्ठान करना चाहते 1.25 लाख का या पुरुषचरण करना चाहते, वो खंड खंड में 24 हजार के अनुष्ठानों को करके उनको पूर्ण कर सकते हैं। 1.25 लाख का भी आप 5-24 हजार का करके कर सकते हैं और पुरुषचरण जो है आप 100-24 हजार के अनुष्ठान करके उसको पूर्ण कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है एक तो व्रत उपवास और दूसरा ब्रह्मचर्य। तो यदि आप पुरुषचरण कर रहे हैं तो 1 साल तक ब्रह्मचर्य रहना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, खासकर ग्रस्त व्यक्ति के लिए। ऐसी स्थिति में यदि आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है तो आपकी उतने दिन की हुई साधना निरर्थक हो जाती है। लेकिन 9-9 दिन के उसमें यदि आप करेंगे बीच बीच में, तो फिर कोई व्यवधान आपका नहीं आएगा। तो ये ब्रह्मचर्य का आपका इसमें साधना पूर्ण रूप से हो जाएगा, इसको आप साध सकते हैं। दूसरा उपवास, 1 साल तक लगातार आप उपवास में नहीं जा सकते, लेकिन 9-9 दिन के आप खंड खंड में यदि आप उपवास करेंगे तो आप आराम से उपवास कर सकते हैं। तो उपवास के भी कई प्रकार के नियम हैं। एक अनाज लेकर के भी आप कर सकते हैं, फल फूल लेकर के भी कर सकते हैं, नींबू पानी से भी आप कर सकते हैं। इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए, तो उनके आधार पर आप जो है आप उपवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी खंड खंड में आप गायत्री की साधना करके पुरुषचरण जैसी साधना को भी पूर्ण करके और उसका पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। जो लोग 9 दिन तक गायत्री मंत्र का 24 हजार का अनुष्ठान नहीं कर सकते, लेकिन उनके मन में विचार होता है कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने एक छोटा सा मंत्र बताया है, जो है गायत्री का पंचाक्षरी मंत्र, ओम भूर्भुवस्व। तो पंचाक्षरी मंत्र की 29-27 माला जाप करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके भी आप गायत्री का लघु अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं और उसका पूर्ण रूप से आप लाभ ले सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों के पास में समय नहीं है, उतना उत्साह नहीं रहता है, या उतनी देर तक वो लोग बैठ नहीं पाते, लेकिन मन में इच्छा है कि गायत्री की साधना की जाए, तो वो पंचाक्षरी मंत्र की साधना कर सकते हैं। दूसरा है गायत्री 40 का। 9 दिन में आपको 108 40 का पाठ करना पड़ेगा।
यानी 12-12 आपको नित्य जपना पड़ेगा। आप सुबह और शाम दो समय पर आप उसको विभक्त करके कर सकते हैं। इसी प्रकार से मंत्र लेखन की साधना, 9 दिन में आप मंत्र लेखन का 2400 मंत्रों का आप लेखन कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको 269 मंत्रों का लेखन करना पड़ेगा। तो गायत्री की पंचाक्षरी साधना, मंत्र लेखन साधना, गायत्री की 40 साधना हमारे चैनल पर वीडियो में दिए हुए हैं, आप उनको सुन करके और उस प्रकार से भी आप साधना कर सकते हैं। जिनके पास में समय नहीं है या उत्साह तो बहुत है लेकिन कुछ समय के बाद पश्चात ठंडा पड़ जाता है और वो नहीं कर पाते, तो वो इस प्रकार की छोटी छोटी 3 साधनाएं कर सकते हैं। अब इसमें सबसे प्रमुख ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जब आपने संकल्प तो ले लिया लेकिन जब आप साधना करने के लिए जा रहे हैं तो उन 9 दिनों में या 40 दिनों में या 1 वर्ष में जो भी आप साधना करने के लिए जा रहे हैं, यदि खंड खंड में आप जो है 24,000 के अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको 27 माला का प्रतिदिन जाप करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको उन मालाओं को यदि आप 2 बार में करना चाहते हैं तो उसको विभक्त कर लें कि सुबह के समय ज्यादा संख्या रखें, सुबह के समय आप जो है 20 कर लें या 15 कर लें और शाम के समय शेष बची हुई माला का आप जाप करें। लेकिन ऐसा ना हो कि पहले दिन आपने सुबह 15 की और दूसरे दिन सुबह आपने 11 कर दी या ज्यादा कर दी। एक संख्या निर्धारित कर लें, जो संख्या आपने पहले दिन सुबह की है उतनी संख्या आपको 9 दिन तक उसी संख्या को करना है और जो संख्या आपने शाम के लिए निर्धारित की है वो संख्या आपको शाम के समय करना है। जैसे आपने 15 सुबह की तो 12 आपको जो है शाम को समय करना है, तो आपकी 27 माला हो जाती है। इसी प्रकार से आप जो उपवास कर रहे हैं तो उपवास में आपने जो पहले दिन जिस प्रकार का आपने फलाहार किया है वही पूरे आपके 9 दिन तक चलना चाहिए। जिस समय पर आपने पहले दिन साधना प्रारंभ की थी उतने ही समय पर आपको नित्य 9 दिन तक साधना करना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन जो है 4:30 बजे या 5 बजे से प्रारंभ किया, दूसरे दिन आपने 5:30 बजे कर दिया, तीसरे दिन आपने 6 बजे कर दिया, फिर आपने 4 बजे चालू कर दिया। समय और संख्या आपकी निर्धारित होना चाहिए, उसके पश्चात यदि आप साधना करेंगे तो वो जल्दी आपको सफल होगी। होता क्या है कि यदि आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराते थोड़ा सा समय लगता है, मन उत्साहित रहता है। सुंदरकांड का पाठ कराना है तो उसमें लगता है हाँ चलो 1 घंटे का समय, आधा घंटा निकल गया, फिर लगता है चलो आधा घंटा और शेष है। लेकिन उसी को यदि आप अखंड रामायण का पाठ अपने घर में कर लें तब फिर व्यक्ति जो है विचलित हो जाएगा, उसको 50 काम याद आएंगे, ये काम भी रह गया वो काम भी रह गया, तो फिर जो है वो आपका अखंड रामायण का पाठ जो है पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से जब हम पुरुष चरण की एक साथ करने का संकल्प ले लेते तो हमारा संकल्प कहीं ना कहीं जा करके डगमगा जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे साधकों को जिनकी इच्छा तो बहुत है कि हम 1,25,000 का अनुष्ठान करें या पुरुष चरण करें, उनके लिए खंड खंड में 24,000 के अनुष्ठान की साधना बताइए। उसको यदि आप पूरा करेंगे तब भी आपकी साधना पूर्ण हो सकती है। और उसमें यदि मान लो किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न हो जाता, जैसे हमने आपको बताया कि जितनी आपने साधना कर ली उसका तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपने 1,25,000 का अनुष्ठान का 40 दिन का अनुष्ठान का संकल्प ले लिया या पुरुष चरण का 1 साल का ले लिया और बीच में यदि मान लो वो टूट जाता तो फिर आपकी साधना निष्फल हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये मिलेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने भी व्यक्ति की मानसिकता को तय किया है कि उसकी मानसिकता, उसका श्रम की शक्ति जो है वो कितने घंटे के बाद में समाप्त हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कार्यालय में 8 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है। आदमी श्रम जो है वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता, 8 घंटे के बाद करेगा तो वो थक जाता है, उसकी एनर्जी जो है खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से 7 घंटे तक वो मानसिक रूप से जो है वो स्वस्थ रहता, उसके पश्चात उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में शक्ति उपार्जन के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो 1 घंटे का से कम का समय दैनिक साधना में आता है जैसे हमने आपको पूर्ण बताया, और 1 घंटे के बाद का जो समय है, 1 घंटे से ज्यादा जिसमें समय लगता है वो अनुष्ठान में कहा जाता है, और 6 घंटे से ऊपर जो है व्यक्ति को साधना नहीं करनी चाहिए। तो 1 घंटे से कम करेंगे तो दैनिक साधना में आएगा, उससे ऊपर करेंगे तो आपके अनुष्ठान में आएगा, और 6 घंटे से यदि आप ऊपर करेंगे तो आपकी मना स्थिति आपकी गड़बड़ हो जाएगी, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। इसलिए साधना का विधान 1 घंटे से लेकर के 6 घंटे के बीच में ही रखा गया है। तो इसलिए 6 घंटे तक ही व्यक्ति को साधना करना चाहिए।
उससे ऊपर साधना करने से व्यक्ति का मन इधर उधर भटकेगा और फिर उसके संकल्प टूटने में बड़ी जल्दी ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि उसका संकल्प टूट जाएगा और फिर आपके अंदर जो है कई प्रकार के अपराध की भावनाएं पैदा होंगी। अधिक लाभ पाने के लिए बड़े अनुष्ठान किए जाएं, जबकि संख्या बढ़ाई जाए, इससे बेहतर ये होगा कि आप अपनी श्रद्धा में और विश्वास की पात्रता को बढ़ाएं। जितनी ज़्यादा आपकी श्रद्धा होगी, जितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी आपको मंत्र फलित होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग सिर्फ दैनिक साधना करते हैं उनके लिए उतने अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं जो कि पुरुषचर करने वाले को भी नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति दैनिक साधना करता भले माँ के पास में आधा घंटा बैठता है, 20 मिनट बैठता है, 25 मिनट बैठता है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ में बैठता है। तो पूर्ण श्रद्धा से कोई साधना बड़े जल्दी फलित हो जाती है। इसलिए जहां तक संभव हो चैत्र की नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि, इन दो नवरात्रियों में आपको 24,000 के लघु अनुष्ठान कर लेना चाहिए और नौवें दिन आपको हवन करना चाहिए। लेकिन यदि जो लोग दो भागों में विभक्त करके कर रहे हैं, प्रातः भी करते हैं, सायं भी करते हैं, तो नौवें दिन आपकी शाम को जो है साधना पूर्ण होगी। तो ऐसी स्थिति में या तो आपको आठ दिन में आपकी जप संख्या को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए ताकि नौवें दिन जो है सुबह सुबह आपके लिए ज़्यादा जाप ना करना पड़े, उसके पश्चात आप हवन कर लें। अन्यथा आप जो है दसवें दिन जो है आप उसकी हवन की कर्मकांड को आप कर सकते, हवन आप जो है आपको दसवें दिन कर लेना चाहिए। तो जो 24,000 का जब हम आप अनुष्ठान करते हैं तो हवन कम से कम 108 मंत्रों का करना चाहिए। जो बन पड़े कन्याओं का आप भोजन कराएं, कुछ दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन करा दें, तो इससे आपके लिए अनंत गुना लाभ होंगे। जब आप 24,000 का या 1,25,000 का कोई भी अनुष्ठान आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो उसके एक दिन पूर्व आप संकल्प ले लें, या जब आप साधना प्रारंभ कर रहे हैं उसके पहले भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले संकल्प लेना आवश्यक होता है, बगैर संकल्प के कोई भी साधना आपकी फलित नहीं होती है। और जब आप संकल्प लेते हैं और जब आप साधना प्रारंभ करते हो, कैसे कैसे आप करना चाहते हैं इसका आपके आप अपने लोगों को भी बता दें, उससे क्या होगा कि मन के अंदर ये भय रहेगा कि यार हमने लोगों को बता दिया कि हम सुबह इतने बजे सो करके उठेंगे और नहीं उठे तो लोग क्या कहेंगे, या हम भोजन में ये करेंगे और दूसरा कोई चीज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में बाहर का भोजन का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए, किसी के घर भी आपको उस समय भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर के फिर आपको साधना करनी चाहिए। आपकी पूजा स्थली एकदम आपको साफ सुथरी रखना चाहिए और जहां तक संभव हो अपने काम स्वयं करना चाहिए। एक गायत्री माता गुरुदेव का चित्र रख लें, दीपक जला लें, कलश रख लें और उसके पश्चात में संकल्प के बाद में षट कर्म कर लें। और षट कर्म करने के पश्चात में देवाह्वान, और देवाह्वान के पश्चात में फिर आप जो है गायत्री मंत्र का जाप करें। उसकी विधियों का वीडियो हमने अपने चैनल पर डाले हुए, उस आधार पर आप वीडियो को सुन करके भी साधना उसकी कर सकते हैं। दैनिक साधना किस प्रकार से की जाए, अनुष्ठान किस प्रकार से की जाए, उसकी पूरी विधि हमने बताई हुई है। दूसरा एक अनुष्ठान होता है सहस्त्रांशु साधना, जो कि एक वर्ष में पूर्ण होता है, इसका भी हमने वीडियो डाला हुआ है। तो वो साधना भी आप करके गायत्री मंत्र का पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद में यदि आप 1,25,000 अनुष्ठान खंड खंड में कर रहे हैं या आप जो है पुरुष चरण खंड खंड में कर रहे हैं तो कम से कम आपको जो है दसवें दिन आपको 1,000 आहुतियां जरूर देने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, समय सीमा निर्धारित करें, संख्या निर्धारित करें, उपवास का ध्यान रखें, अपना काम स्वयं करें, साफ सुथरे कपड़े पहन करके बैठें, पूर्वमुख होकर के बैठें, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। हल्के वस्त्र पहने, चमड़े से बनी हुई कोई चीज ना पहने। इस बीच में घर में हो सके तो मांस मदिरा का सेवन कोई भी ना करे, तो फिर निश्चित रूप से आपकी की हुई साधना से आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होंगे। तो मित्रों, हमने आज आपको बताया कि जो लोग पुरुषचरण करना चाहते या 1,25,000 का अनुष्ठान करना चाहते हैं लेकिन वो उन अनुष्ठानों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूज्य गुरुदेव ने खंड खंड में भी करने का विधान बताया है। तो 1,25,000 का अनुष्ठान आप 24,000 का अनुष्ठान करेंगे तो पूर्ण हो जाएगा, और पुरुषचरण यदि आप 24,000 के 100 अनुष्ठान करेंगे तो वो आपका पूर्ण हो जाएगा। तो वो भी उसकी
उसमें गिना जाता है। तो इस प्रकार से आप इन साधनाओं को कर सकते हैं। निश्चित रूप से उन साधकों के लिए उपयोगी वीडियो है जो करना तो चाहते हैं लेकिन उतना लंबा वो कर नहीं पाते, तो उनके मन में विचार आता है कि हम कैसे करें, तो खंड खंड करके भी आप इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।